This conference will now be recorded. अद्य बुधवासर अथवा सौम्यवासर ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी दिनांक 7 जुलाई 2021 चरक निदान अध्याय 5-6 प्रजेक्षण शंखं चक्रं जलं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाङ्गीनं प्रौढदावाङ्गीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरुपैक्षमदिशैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ शांति 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 षष्ठोध्याय अर्थात शोषण निदान व्याख्यास्य खलु चत्वारि शोषस्य आयतनानि भवन्ति तद्यथा साहसं संधारणं क्षयो विषमाशनम् तो यहाँ शोष के चार आयतन आयतन का मतलब यहाँ पे कारण इस प्रकार का है तो यथा साहसम संधारण क्षय विषमाशनम तो ये चार कारण इस प्रकार से शोष के बताए गए हैं और इसका विवरण आगे इस प्रकार का आता रहेगा तो हमारे हिसाब में शोष या राजयक्ष्मा इसके बारे में ये चार कारण अहम इस प्रकार के हैं और कल जैसे मैंने बात की कि हमारा राजा यक्ष्मा या उनका टीबी होगा कि ऐसा नहीं है और उनका टीबी हमारे हिसाब में राजा यक्ष्मा होगा ही ऐसा भी कहना मुश्किल है लेकिन वो ज्यादातर जुड़ जाएगा लेकिन हमारा टीबी हमारा राजा यक्ष्मा उनके हिसाब में टीबी है ही ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है तत्र साहसम शोष से आयतन उत्तम तदन व्याख्या श्याम कोणाला आपल्या दृष्टीने यक्ष ते गलमांस क्षय असताना असा यदा पुरुषो दुर्बलो हि सन् फेल होते कोणाची
प्रमाणे फेल्युअर झालेलं असं किती पर्सेंट होईल? मला कळलं ते काय माहिती असते. एलोपॅथीची ट्रीटमेंट घेतला ऐसा नहीं बता सकते. बलमांस क्षय हमारे हिसाब में ये नहीं होगा, असाध्यता का कारण बन जाएगा. लेकिन एलोपैथी में फिर भी अभी एंटीबायोटिक थेरी काम करती है ऐसा है. तो वो करनी है नहीं करनी है ये अलग इस प्रकार का माहौल रहेगा. इन्फेक्शियस डिसीजेस में फिर भी अभी भी एलोपैथी काम करती है, ये कई मरीजों में देखते हैं. तो थोड़ा उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम बलमांसक क्षय जो है उसको कर उसकी आपूर्ति कैसे कर पाएंगे. वो अगर होगा तो हमारे हिसाब में वो साध्य हो सकेगा ऐसा थोड़ा सा. यदा पुरुष दुर्बलो ही सन बलवता सह विगृहणात, कुछ दुर्बल होने के बावजूद बलवता सह विगृहणात, बलवान व्यक्ति के साथ विग्रह करता है, युद्ध करता है. अति महता वा धनुषा व्यायच्छत, बहुत बड़ा इस प्रकार का जो धनुष है उससे बाण छोड़ने की कोशिश करता है या उसको तनाव देता है. जलपति वापी अति मात्रा, या बहुत ज्यादा जल इस प्रकार का करता रहता है, बोलता रहता है इस प्रकार से. तो मैंने इसके बारे में दो मरीज देखे हैं कि जहां जल और वो भी काफी ऊंचे स्वर में इस प्रकार का मृत्यु का कारण हो गया. तो उस प्रकार के श्रम शोषी व्यक्ति को नहीं करने हैं, ये एक अहम चीज इस प्रकार. अतिवार अतिमात्रम व भारम उद्वहन, अतिमात्र इस प्रकार का भार का वहन करता है. अप्सुवा प्लवते चाति दूरम, या पानी में तैर के बहुत दूर तक जाते हैं. उत्साधन पदाघातने व अति प्रगाढ़ आसेवते, उत्साहन या पदाघातन अति प्रगाढ़, पदाघात जो है वो पायों से चरणों से किया जाने वाला मसाज इस प्रकार का है. और ये बहुत स्विफ्ट होना चाहिए कि जो मसाज करने वाली व्यक्ति है वो बहुत जल्द जल्द क्रियाएं करने वाली इस प्रकार की होनी चाहिए, नहीं तो उसके शरीर के बोझ के कारण भी तकलीफ इस प्रकार की हो सकती है. उत्साहजनक का मतलब क्या है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा. एक पाठ भेद भी है. उच्छादन पराघात नहीं पठति, उच्छादनम शिलादिभि उरसि आवरण, पराघातनम परे ही अन्य ही शत्रुभिर्वा अघातनम शरीति व्याख्यान. तो उत्साहन नहीं है क्योंकि उत्साहन ये मांस की पुष्टि करने वाला इस प्रकार का है, लेकिन ये उच्छादन है. तो शिलादि भी उरसी आवरणम, तो उसका बोझ हो जाएगा. पराघातनम पर ही अन्य ही शत्रुवीर व आघातनम, तो ये ज्यादा बेहतर पाठ इस प्रकार का रहेगा. अति प्रकृष्टम व अध्वानम वृतम अभिपति, तो अति प्रकृष्ट इस प्रकार का अध्व यानी कि मार्ग द्रुतम अभिपतति, बहुत जल्दी से चलता रहता है इस प्रकार का. अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले तो ऐसे अक्सर करते हैं, उन्हें भविष्य में यक्ष्मा हो सकेगा क्या होता है जनरली. अभी ये जो एज होता है ये 16-17 बरस से लेकर 25-30 बरस तक ये सब सिलसिला चलता है. और बाद में उतना व्यायाम अगर चालू नहीं रहेगा या पूरी लैक्सिटी आ जाएगी तो इन लोगों को बीमारियां होती है जो स्पोर्ट्समैन है इस प्रकार से,
शायद व्यायाम चालू रहेगा और उसके साथ अच्छी खुराक भी चालू रहेगी तो तकलीफ नहीं आएगी। मिल्खा सिंह, अभी उनका निधन हो गया 91 बरस के ऊपर, लेकिन मैंने तो सिर्फ फिल्में ही देखा भाग मिल्खा भाग में, कि कितना व्यायाम उन्होंने किया होगा उस समय उस जमाने में। और इतना बड़ा सदमा होने के बावजूद वो काफी स्पर्धाओं में जीत गए, इस प्रकार का है। तो ये थोड़ा स्ट्रेचिंग ऑफ द लिमिट ऐसा है। और सदमा कहाँ पाकिस्तान लगा था? सदमा मध्ये सगळे मरखेरचे मारले गेले ना, तो उत्साह पदाघातने वा अतिप्रगाढम आसेवते, अतिप्रकृष्टम वा अभ्यानम द्रुतम अभिपतति अभिहन्यते वा, या उसके ऊपर आघात इस प्रकार का होता है। अज्ञत्वा किंचित एवं विधन विषमम अतिमात्रम वा व्यायाम जातम आरभते, या दूसरा इसी प्रकार का कोई विषम अतिमात्र व्यायाम जाता अगर करता है, तस्य अतिमात्रेण कर्मणा उरक्षण्यते, तो उस प्रकार से अतिमात्र कर्म से उरक्षण्यते, उरक्षत निर्माण होता। तो अभी COVID-19 की सिचुएशन में उरक्षत काफी दिख रहा है, और फिर लंग फाइब्रोसिस, और फिर सांस लेने में तकलीफ, और फिर मौत, ये सिलसिला दिख रहा। तो जिन व्यक्तियों में खास करके ये लंग फाइब्रोसिस हुआ है, उनमें इस प्रकार का अति व्यायाम या दूसरा कोई हेतु है क्या, ये देखना, शक्ति से बाहर काम करना ऐसा कुछ है क्या, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अभी हम लाक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, और रक्त का गति तत्व देखते हुए तो मनो नारज अक्षा इसका भी प्रयोग कर रहे हैं इसमें, तो थोड़ा इसके बारे में सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। सतत्र अवस्थित तस्य उरक्षतम उपलब्धते वायु, तो उसमें वायु घुस जाता है। सतत अवस्थित श्लेष्माणम अरस्तम उपसंग्रह्य पित्तं च दूषयन् विहरति ऊर्ध्वम् अथ स्थितिश्च, तो वहां पे रह के कफ उसमें स्थान में रहने वाला जो कफ है उसको पकड़कर और पित्त को पकड़कर दूषयन् विहरति ऊर्ध्वम् अधः स्थितिश्च, तो ऊर्ध्व अधस्थि व्यक्ति इस प्रकार का संचरण करने लगता है। तस्य यौंशा शरीर संधि आविशति तेना अस्य जुरुम्भा अंगमर्दो ज्वरश्च उपजाय, तो उसका जो अंश शरीर संधियों में प्रवेश करता है उसके जरिए उसका जुरुम्भा अंगमर्दो और ज्वर, ये तीन निर्माण होते हैं। अभी ये संधि में प्रवेश होने के बाद इस प्रकार का ज्वर निर्माण होता है, ये बताया गया है। तो कोलटकर सर ने इसके बारे में बताया था कि गोवा में एक इस प्रकार का प्रचलन है कि जब बुखार आता है तो संधियों पर शीत जल लगाते हैं और फिर जो बुखार जल्दी उतरता है इस प्रकार से। मैंने तो ये करके नहीं देखा है इस प्रकार से। अगर संधि में ज्यादा उष्णता है तो ये बात हो सकती है इस प्रकार से। तो संधि के बहुत ही ज्वर है, ये वाग्भट में भी लिखा गया है, और उसके साथ में जुम्भा अंगमर्द, ये भी बातें बताई गई है। अभी बड़े काफी लोगों में कहीं भी टच करने पर, खासकर संधि पर टच करने पर उद्गार बाहुल्य दिखता है, ये भी एक थोड़ा अजीब इस प्रकार का माहौल है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये वायु वहां पे अटका रहता है और जैसे ही स्पर्श होता है तो वहां से निकलकर कोष्ठ में आकर बाहर निकलता है। तो उद्गार देखे जाते हैं, जुम्हा ऐसे ज्यादा नहीं देखा गया है इस प्रकार का, लेकिन ज्वर इस प्रकार का निर्माण होता है, ये एक अहम चीज है। वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी का कहना था कि ये ज्वर जो है वो संधि जो फुफ्फुस में है
उसके जरिए होता है, ये तो पूरा इंटीग्रेटेड इस प्रकार का विचार। हाँ, और वैसे संधि ये संकल्पना केवल अस्थि संधि से जुड़ी नहीं है, बाकी भी धातुओं के अवयवों के संधि इस प्रकार के हो सकते हैं। और अभी ये जो यक्ष्मा दिखाई देता है ज्यादातर वो उरस्त इस प्रकार का दिखाई देता है, तो और उसी के बारे में ज्यादा जिक्र टीबी के बारे में की गई है, तो इसको एक अलग तरीके से ध्यान में रखें कि शरीर संधि में प्रवेश होने से जो महाअंगमर्दन इस प्रकार का होता है, लेकिन गुहा की जो बात कही वो बाकी शरीर संधियों में इस प्रकार सा ज्वर होता है, और संधिवात या आमवात के मरीजों में जानु संधि बहुत गर्म इस प्रकार का लगता है और उसमें रक्त दुष्टि का प्राधान्य होता है, तो उसमें जलों का उच्चारण करने से काफी फायदा होता है अगर बहुत ही गर्म स्पर्श इस प्रकार का। ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से इंफ्लेमेशन इस प्रकार का है और पित्त से जुड़ा इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। यस्तु आमाशयम अभ्युपैति तेन रोगा भवन्ति उरस्य अलोचकश्च। जो अंश आमाशय में प्रवेश करता है तो उसको उरस्य विकार इस प्रकार के उरस संबंधी विकार होते हैं और अरोचक का निर्माण होता है। तो ये भी थोड़ा अजीब है कि आमाशय है तो आरोचक इस प्रकार का निर्माण हो रहा है, ठीक है, लेकिन उरस्त विकार उरस्या रोगा भवन्ति, ये जैसे तमक श्वास की संप्राप्ति में ये बताता है उरस्त कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भव, उसी प्रकार के संप्राप्त यहाँ भी वर्णित है, तो उसको देखना चाहिए। यह कंठमोपि प्रपद्यते कंठस्थेनोद्भवस्यते स्वरश्च अवसीद। जो कंठ में पहुंच जाता है उसके कंठ का तेन उससे उद्भवस हो जाता है और स्वरश्च अवसीदति और स्वर साथ प्राप्त होता है। यहाँ प्राणवान स्रोताओं से अन्वेति तेन श्वासा प्रतिक्षाएं जाए। जो प्राणवान स्रोतस का अनुगमन इस प्रकार का करता है उससे श्वास और प्रतिक्षाएं निर्माण होता है। यहाँ शिरस से अवतिष्ठते शिरस्तेन उपहन, अगर शिर में स्थित हो जाता है तो शिर का हनन उससे हो जाता है। तथा क्षणनाच्चैव ओरसो विषम गतित्वाच्च वायोः कंठस्य च उद्भवसनात् कासस्य पतनम् अस्य संजाय। तो ओरक क्षणन होने के कारण वायु की विषम गति के कारण और कंठ से उद्भवस के कारण कासा सततम अस्य जाय, उसको सतत कास इस प्रकार का होता रहता है। स कास प्रसंगात उलसी क्षते क्षोणितम स्थिति, और कास बारंबार होने के कारण उरक्षत होने के कारण क्षोणितम स्थिति रक्त का स्थीवन होता है। क्षोणितागमना चास्य दौर्बल्य उपजायते, और इस प्रकार से खून निकलने से उसको दौर्बल्य हो जाता है। एवं एते साहस प्रभावः साहसिकम उपद्रवाः शोषन्ति। तो साहसिकम जो साहस करने वाला है उसको साहस प्रभावः साहस के उत्पन्न होने वाले ये उपद्रव उसको स्पर्श करते उसमें हो जाते हैं। ततस्य उपशोषण ही एते ही उपद्रव ही उपद्रता शनै शनै उपशोष्यति। तो इस प्रकार के उपशोषणों के द्वारा उपशोषण रूप उपद्रवों के द्वारा उपद्रता वो जो कष्टी होता है या उसको पीड़ा होती रहती है शनै शनै उपशिष्य, तो धीरे धीरे उसका शोष होने लगता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान बलवान बलम आत्मना समीक्ष्य तदनुरूपाणि कर्माणि आरभेत कर्तुं बल समाधानम भी शरीरम शरीर मूलश्च पुरुषः। और इन सभी कारणों के वजह से मतिमान पुरुष जो बुद्धिमान है आत्मना बलम असमीक्ष्य खुद का बल देखकर तदनुरूपाणि कर्माणि आरभेत करे उसके अनुरूप ही कर्म करना आरंभ करे
बल समाधानम भी शरीरम। तो बल जिसका समाधान है वो शरीर है, शरीर मूलश्च पुरुषः, और शरीर मूल पुरुष इसका कारण है। साहस का मतलब सहसा अचानक एकाएक क्रिया करना, इस प्रकार से, और बिना कुछ सोचे समझे इस प्रकार की अगर क्रिया की जाती है तो उसका नतीजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये शक्तिमान अतिक्रम्य अपने शक्ति के आगे इस प्रकार का कर्म किया जाता है। तो वृक्षत से आरंभ होकर ये सभी चीजें हो सकती है। कोलटकर सर का एक अनुभव था कि डुमबिल में प्रैक्टिस करते थे और पुड़िया पोस्ट वो वगैरह की यहाँ से लेके जाते थे, तो एक मरीज जब वो निकलने ही वाले थे ट्रेन के लिए, तो नया मरीज आ गया और सर ने कहा कि मैं अभी जल्दी में हूँ, तो मैं अभी थोड़ा देखकर दवा दे दूंगा, अगले 15 दिन के बाद समय लेके आना, इस प्रकार से उसने हाँ कह। और उसका वजन 22 किलो कम हो गया था और कृश इस प्रकार का हो गया था, हाँ शक्ति नहीं थी। तो प्राइम ऑफिस सर को लगा कि ये शुक्र क्षय के लिए है, तो शतावरी की पुड़िया देती और सुबह शाम दूध के लिए कहा, देने के लिए कहा। 15 दिन के बाद गए तो पता चला कि उसको वृक्षत हुआ था उससे पहले, और फिर ये शोष जैसे लक्षण और ये प्राध्यक्षण जैसे लक्षण दिखाई दिए। तो सर ने लाक्षा बहुत कम मात्रा में सुबह शाम देना आरंभ कर दिया, और वैसे ही देना आरंभ कर दिया, 15 दिन में 20-22 किलो वजन बढ़ गया केवल लाक्षा से। हाँ तो एक सर की अनूठी केस है कि परफेक्ट मेडिसिन और उसके उतने ही अच्छे रिजल्ट्स। वैसे सर के पास इस प्रकार के 3 केसेस हैं जो मैंने खुद उनसे सुने हैं। एक मरीज में उन्होंने केवल तापेदिलो 1 ही डोज सुबह और ऐसी प्रकार से वजन बढ़ा था। दूसरे के केस में स्वर्णमाली निवासन था, 1 गोली रोज सुबह इतनी दी थी और उससे भी इसी प्रकार से वजन बढ़ा था। तो सिंगल ड्रग लाक्षा यहाँ पे प्रयोग की गई थी और लाक्षा के जरिए ऐसा 20-22 किलो वजन बढ़ गया उसका। तो उरक्षत में ऐसा लेकिन ऑपरेशन का ना से ऐसा कि सांगवा में होता तो करते तो है ऐसा है केसेस से लेवल सांकड़े असणार, डोंबिवलीची केस आहे फक्त त्याच्यामुळे ते वहीत असणार, माहिती नाही मला। लेकिन मैंने खुद उनसे सुना है कि उसमें पर त्यांचं तसंच कमी झालं होतं। इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है वास्तव में, ना कि उनको कुछ उससे कमाना था ना कि मुझे कुछ नहीं करना था। ठीक है ना, बच्चे बच्चे कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, बच्चे तो कहेंगे ही इस प्रकार से। तो सहसा विदधी तनक क्रिया अविवेक परमापदां पदं, ये किरातार्जुनीय में भारवी का काव्य है कि अचानक कौन सी भी क्रिया नहीं करनी है। अविवेक कहा परमापदां पदं, अविवेक ये परमापद का हाँ इस प्रकार का है और काफी इस प्रकार से नहीं। उससे नुकसान हो सकता है। तो अविवेक कहा परमापदां पदं, तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो भी कुछ करना है वो सोच समझकर अपने बल के अनुसार ही करना है, और अपना बल और शत्रु अगर है तो उसका बल, ये दोनों बलाबल देखते हुए करना। और आखिर में हमें साध्य क्या करना है इसके बारे में भी सोचना है कि मेरा समाधान किसमें है इस प्रकार से। तो कई बार ऐसा होता है कि इतना सब हासिल करने के बावजूद भी समाधान नहीं होता, क्योंकि उसमें हमने बहुत कुछ गवाया होता है।
तो उसके बेहतर था कि ये कुछ भी नहीं करते तो भी अच्छा रहता इस प्रकार से। अध्यायस्येन आत्मानं कुर्यात् अतिसमुच्चितम् पातो यथा ही दुखाय नुचराय सुख प्रपद्यते, कि बहुत कष्ट से हम अगर अपने को उच्च स्थान पर ले जाते हैं तो वहां से गिरने पर जितना दुख होता है उतना ऊपर चढ़ने में दुख सुख नहीं होता इस प्रकार। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और यथा बलम आरंभा दिदानम क्षय संपदा, ये शिशुपाल वध में माग ने कहा है। यथा बलम आरंभ ये निदानम क्षय संपदा, तो क्षय संपद का कारण, संपद का क्षय, संपद के क्षय का कारण इस प्रकार का बताया गया है। तो अभी हेक्टिक शेड्यूल्स बहुत लोगों की हो गई है, खास करके आईटी फील्ड में काम करने वाले, बैंक में काम करने वाले, सरकारी ऑफिस में या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, इन सभी के बारे में ये हेक्टिक लाइफ शेड्यूल्स, ये एक तरीके का साहस इस प्रकार का ही है। और अपने बल को ध्यान में नहीं रखते हुए या बल बढ़ाने का कोई उपाय न करते हुए इस प्रकार से अगर काम में हम जुड़ जाएंगे तो ये साहस कर्म कहलाएगा और फिर वो हमारे आरोग्य का क्षय का कारण इस प्रकार का बन जाए। बहुत ही छात्र साहसम वर्जयत कर्म रक्ष जीवितम रक्षण जीवितम आत्मनः जीवंति पुरुष स्पृष्टं कर्मणः फलमश्नुते। तो आत्मना जीवितम रक्षण, खुद के जीवित की रक्षा करते हुए साहसम कर्म वर्जय, साहस कर्म जो है वो टालना चाहिए। जीवन ही पुरुषार्थ को इष्टम कर्मणा फलमस्तते, जो जिंदा रहने वाला आदमी है वही कर्मणा इष्टम फलमस्तते, कर्म का जो इष्ट फल है उसको भुगत सकता है, उसका उपभोग ले सकता है। अगर जीवित ही नहीं रहा तो क्या करेंगे आगे। मैंने एक अजीब किस्सा देखा था, रुद्रक का है एक्चुअली। ये कॉलेज में पढ़ा रहा था, लेक्चर ले रहा था, और मेरी एक पुरानी छात्र दौड़ते हुए वर्ग में कक्षा में घुस गई और उसने कहा कि मेरे पिता को हार्ट अटैक के जैसे लक्षण है और आप प्लीज उनको आकर एक बार देखिए, उनको एक बार पहले दिल का दौरा पड़ चुका था इस प्रकार से। संयोग से वो बहुत नजदीक थी रहने वाली, तो मैंने कहा ठीक है मैं तुरंत आता हूँ। तो मैंने जाकर देखा तो मुझे भी लगा कि ये कार्डियक कंडीशन है। तो मैंने कहा कि आपके डॉक्टर कौन है, तो बोले तरवलकर जो 21वीं सदी के असिस्टेंट थे। तो मैंने कहा कि ठीक है आप उनसे संपर्क करो और आपको एडमिट होना पड़ेगा इस प्रकार से। तो बोले मैं होऊंगा लेकिन उनके पास तो नहीं जाऊंगा इस प्रकार से। मैंने कहा क्यों, तो बोले उन्होंने मुझे स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहा था लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तो मैंने कहा उन्होंने बात जो कही है वो सही है, आपको छोड़ना ही चाहिए, फिलहाल इसके बारे में बहस करने में कोई मतलब नहीं, आपको अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप एडमिट हो जाओ कहीं पे। तो बोले कि आप कुछ दवा दिया दे, दवा दे दो तो फिर देख। तो मैंने मगर वो अगर ऐसे कुछ दवा दे दिया, उनको कह दिया कि आप कांटेक्ट करो उनसे और उनके हिसाब से कहीं एडमिट हो जाओ। 2 घंटे के बाद फिर वो छात्रा आ गई और फिर उसने बताया कि पापा एडमिट होने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं फिर से एक बार उनके घर पे गया। तो बोले कि नहीं मेरा सोमवार में कोर्ट में केस है, सोमवार को, तो अगर वो एडमिट करके रखेंगे तो मैं कोर्ट में कैसे जा पाऊंगा। तो मैंने कहा अगर आपकी मौत हो जाती है तो आप कैसे ऊपर से आने वाले हैं क्या कोर्ट में, तो ये बात छोड़ो और पुणे जैसे शहर में आप कार्डियक कंडीशन है और एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो ये मूर्खता की बात होगी, लोग तुम्हें भी कोसेंगे और मुझे भी कोसेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है मुझे कोई दूसरा व्यक्ति सुझाव दे दो कि जो कार्डियोलॉजिस्ट हो और इसमें काम करे। तो मैंने एक उमर जी डॉक्टर का रेफरेंस दिया, उमर जी डॉक्टर आए, उन्होंने ECG निकाला, एरिथमिया कंडीशन ने कंफर्म कर दिया और उन्होंने दीनदयाल अस्पताल में दाखिल होने के लिए कहा कि मेरे अंडर वहां पे दाखिल हो।
हाँ बोले। फिर 2 घंटे के बाद फिर से छात्र का फोन आया कि वो फिर भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। तो मैं तो घर पहुंचा था, वापस क्लिनिक में आना चाहता था, तो मैं फिर से तीसरी बार उनके घर पे गया। उन्होंने कहा देखो अभी मैं लास्ट आया हूँ, अभी इसके बाद मैं आऊंगा नहीं बिल्कुल। तो बोले नहीं आपकी दवा दी है वो अच्छा काम कर रही है। मैंने कहा वो अलग है, आप बच भी जाएंगे लेकिन बता नहीं सकते। बेटर ऑप्शन है कि आईसीयू में एडमिट हो गया और फिर मेरी दवा चालू रखो इस प्रकार से। फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजने के बाद वो प्रयाग अस्पताल में दाखिल हो गई, तीसरा ही अस्पताल था। और आईसीयू में एडमिट हुए और आईसीयू में उन्होंने स्मोकिंग आरंभ किया। तो प्रयाग डॉक्टर भी त्रस्त हो गए, उन्होंने दूसरे दिन उनको डिस्चार्ज दे दिया। और फिर भी वो बच गए, कुछ हुआ नहीं उनको। और फिर मेरे पास आते रहे 1 महीना 2 महीने के बाद, 6-7 दिन की दवा लेके जाते, फिर 1 महीने के बाद आते, इस प्रकार से। मैंने भी ज्यादा जिक्र नहीं किया, जब आते तो दवा दे देता और नहीं आते तो बारे उसके बारे में कुछ पूछता नहीं। फिर 6 महीने के बाद मैसिव हार्ट अटैक आया और कुछ करने के लिए चांस ही नहीं मिला, तुरंत मौत हो गई। तो इस प्रकार के भी लोग रहते हैं, ये बड़ा अजीब मेरे लिए अनुभव था। जनरली ऐसा होता है कि मृत्यु का भय ज्यादा रहता है और लोग इस प्रकार से बर्ताव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये अनुभव किया है इस प्रकार का। तो साहस, ये जो है साहसम वर्जयेत कर्म रक्षन जीवितमात्मनः, अगर जिंदा रहेंगे तो ही ये सब पॉसिबल है। तदभाव ही भावानाम सर्वाभाव शरीर नाम, अगर शरीर ही नहीं रहा तो सर्वाभाव इस प्रकार का, सभी चीजों का भाव इस प्रकार का हो जाएगा। तो बल समाधानम ही शरीरम, बल समाधान ही शरीर इस प्रकार का है। कालिदास ने लिखा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही पहला धर्म साधन इस प्रकार का है। अभी स्वशक्तिया तपस्वत से, अपने शक्ति के अनुसार तुम तप कर रही हो या नहीं कर रही हो इस प्रकार से। तो ये काफी देखा जाता है कि शक्तिमान अतिक्रम्य, यथाशक्ति व्यायाम होना चाहिए। शक्ति को बहुत ही नजरअंदाज करते या फिर उसकी तरफ कोई भी ध्यान न देते हुए इस प्रकार के कष्ट उठाए जाते हैं, व्यायाम किए जाते हैं वगैरह इस प्रकार से। हितऋषि ऋषि विजय महाराज साहब के बारे में भी वही हुआ, उन्होंने दीक्षा लेने के बाद 145 दिन आयम बिल किया और उसमें 20-25 किलोमीटर संक्रमण बैरफुट और फिर प्रवचन। तो ये उसके जरिए उनका वजन कम हो गया और 30 किलो तक आ पहुंचा। तो एलोपैथी में गए तो उन्होंने टीबी डायग्नोसिस करके एंटी ट्यूबरक्यूलर ट्रीटमेंट दे दी, तो उससे भी फायदा नहीं हुआ, उल्ट और तबीयत बिगड़ गई। तो फिर दादा हरडीकर के पास आए और दादा हरडीकर की दवाइयों से बच गए और मेंटेन हो गई, लेकिन सिर्फ 15 ग्राम चावल और 10 ग्राम दाल इतनी ही खाते थे तो पचता था, उससे थोड़ा भी ज्यादा हो गया, दूसरी कोई चीज खाई तो तुरंत आम बन जाता, बुखार आ जाता और फिर अशक्ति आ जाती, फिर वजन कम हो जाता इस प्रकार से। तो ये जब मैंने देखा तब वो 4 लीटर पानी हर रोज पी रहे थे और बोले कि मुझे तरस लगती है इसलिए मैं पीता हूँ। तो उनको लागा से वर्ण लागा से जल शुरू किया तो पानी 4 लीटर से 1 लीटर तक आ गया। और फिर मैंने बकरी का दूध शुरू किया तो 1 लीटर बकरी का दूध जाने लगा और उनका वजन 1 महीने में 3-4 किलो बढ़ गया। तो मेरे हिसाब में वो शोष इस प्रकार का ही निदान था, अध्व शोष वगैरह इस प्रकार के जो बताए गए हैं इस प्रकार से। और आजम शोष ज्वर श्वास रक्तरिक्तता सारे, आजम मिल्क दूध जो है वो शोष को जीतने वाला इस प्रकार का है, तो उससे काफी फायदा उनको मिला था इस प्रकार से।
ये सब साहस ही है। अंत में जब उनकी मौत हुई 1 बरस पहले करीबन, तो उनका वजन 23-24 किलो तक नीचे आ गया था, और फिर भी उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था, और उनको पता लग गया कि मैं अब ज्यादा बचने वाला नहीं हूं। तो जो भी मन में विचार है वो व्यक्त करते रहे, बोलते रहे, खूब खूब बोलते रहे। तो मैंने मना किया कि आप ये मत करो, आप बोलो मत, इस प्रकार से सोचो भी मत, पहले अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, शरीर की पुष्टि होना आवश्यक है। लेकिन नहीं हुआ। तो उनकी मौत हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि जीवन ही पुरुषार्थ तो इष्टं करवाना सदा है, कि अगर आदमी जिंदा रहेगा तो ही कर्म का फल मिलेगा ना, जिंदा ही नहीं रहा तो कोई मतलब ही नहीं है उसका इस प्रकार। तो ये साहस, और खास करके अभी का जो हेक्टिक शेड्यूल इस प्रकार का जो बताते हैं, ये अच्छा नहीं है, और उसके बारे में सोचना जरूरी है। संधारणम शोषस्य आयतनम इति यद उक्तम तद व्याख्या से ना, संधारण शोषण आयतन जो बताया गया है वो उसके बारे में बताते हैं। यदा पुरुषो राजसमीपे भर्तुः समीपे वा गुरोः वा पादमूले द्यूतं सवम अन्यं वा सतां समाजं स्त्री मध्यं वा समनुप्रविश्य यानैर्वा अपि उच्छावचैः अभियान भयात् प्रसंगात् प्रीमत्वात् निवृत्त्या आगतान् वातमूत्र पुरीष वेगान् तदा तस्य संधारणात् वायु प्रकोपम् आपतते। तो कोई पुरुष राजसमीप है, राजा का सेवक है, और उसकी जो आज्ञा है उसका पालन करना है, भर्तुः समीपे वा, दूसरा कोई मालिक है, या भर्ता का अर्थ पति भी हो सकता है। गुरो वा पादम मूले द्यूत सर्वम अन्यम वा सताम समाजे समाजम, गुरु के चरणों में लगा हुआ इस प्रकार का है। द्यूत सर्वम अन्यम वा सताम समाजम, द्यूत सभा या अन्य सज्जनों का समाज, स्त्री मध्यम वा समनुप्रविश्य या स्त्रियों में प्रविष्ट होके, याने ही वहां की उच्चा उच्च अभियान, या फिर यान से जा रहा है उच्चा उच्च ही अभियान, भया प्रसंगा त्रिमत्वा दंडितात्मा, आइदर भय से उस प्रसंग से बार बार ये हो रहा है इस प्रकार से, त्रिमत्वा लज्जा है कैसे मैं जाऊं इस प्रकार से, या घृणितवा या घृणा है उसके बारे में। और ये स्त्रियों में काफी देखा जाता है, विशेषता प्रवास करते हैं, चाहे बस से वगैरह इस प्रकार से प्रवास करते हैं, तो स्त्रियों के लिए ये बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जो टॉयलेट्स रहते हैं वो इतने गंदे रहते हैं कि जाने का मन नहीं करता, घृणा उत्पन्न हो जाती है। पुरुषों के लिए भी ये बात होती है, लेकिन पुरुष बाहर भी जाते हैं वैसे, टॉयलेट का इस्तेमाल करना ही है पेशाब के लिए, ये बात नहीं होती। तो निर्वृद्धि आगता वात मूत्र पुरीष वेगा, इसमें वात वेग और मूत्र वेग ज्यादा कॉमन इस प्रकार के, पुरीष वेग कम मात्रा में इस प्रकार के दिखाई देते हैं, लेकिन एक का रोध हो जाए तो बाकी का भी रोध इस प्रकार का हो जाता है। तदा तस्य संधारणात् वायु प्रकोपम आसते, तो इस संधारण के जरिए वायु का प्रकोप हो जाता है। सप्रकोपिता पित्त श्लेष्माणो समुदीर्य ऊर्ध्वम अधस्तिर्यक्च विहरे, वो पित्त और कफोल को लेकर ऊर्ध्व अधस्तिर्यक इस प्रकार का संचार करता रहता है। ततश्च अंशांश विशेषेण पूर्ववत् शरीरावयव विशेषम प्रविश्य शूनम उपजने, तो अंशांश विशेष से पूर्वोच्च शरीरावयव विशेष में प्रवेश करके शूलम शूल निर्माण करता है। विनत्ति पुरुषम उपशोषण, पुरुष का भेद करता है या उसका उपशोषण कर लेता है। पार्श्वे च अतिरुचि, पार्श्व में ज्यादा पीड़ा इस प्रकार की होती है। अंशौ अमृतवाति, अंश में पीड़ा इस प्रकार की होती है। कंठम उरश्च अवधमति, इस प्रकार का अवधमन कंठ और उर का होता है। शिरश्च उपहन,
मस्तक पर प्रहार इस प्रकार का करता है। श्वासम का कासम श्वासम ज्वरम स्वरभेदम प्रतिष्ठाएं च उपजने, का श्वास ज्वर स्वरभेद प्रतिष्ठाएं ये निर्माण करता है। तथा सहा उपशोषण ही एते ही उपद्रवे ही उपद्रता शनै शनै। तो इन उपशोषण उपद्रव से उपद्रुत होकर धीरे धीरे उसको शोष होता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मना शरीरे शारीरेषु एवं योगक्षेम करेषु प्रयतेत विशेषण। तो मतिमान पुरुष को अपने शरीर के बारे में जो योगक्षेम करने वाले इस प्रकार का है, अप्राप्त से प्राप्ति ही योगा, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति होना ही योग है, और क्षेम उसका परिपालन इस प्रकार का होते रहना, ये क्षेम इस प्रकार का है। विशेषण शरीरम यस्य मूलम शरीर मूलश्च पुरुषो, शरीर उसका मूल इस प्रकार का है योग क्षेम के बारे में। शरीर मूलश्च पुरुषो भवति, और पुरुष जो है वो शरीर मूल इस प्रकार का होता है। बहुत ही छात्र सर्वमन्यत परित्यज्य शरीर मनुपालय तद्भाव ही भावानाम सर्वाभाव शरीर। सभी बाकी चीजों को छोड़कर शरीर की रक्षा करनी चाहिए, उसके अभाव से सभी भावानाम सर्वाभाव शरीरी नाम, जो शरीरी है जो आदमी है उसके सभी भावों का अभाव इस प्रकार का हो जाएगा। भावानाम सर्वेशा भावा, तो अगर जिंदा ही नहीं रहे तो कोई मतलब ही नहीं इस प्रकार से। और ये ज्यादातर इस प्रकार से देखा जाता है कि उस समय में सोचते नहीं है कुछ भी, और ये करना है ये करना है, और कभी कभी शरीर बताता है कि तुम थक गए हो तुम रुक जाओ यहाँ पे इस प्रकार से, फिर भी वो सुनते नहीं है। और फिर अचानक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, तो ये करना ही पड़ता है। जब तक हार्ट अटैक नहीं आता तब तक ये सब चलता है, जब हार्ट अटैक हो जाता है तो जनरली लोग सावध हो जाते हैं और फिर आगे परहेज के बारे में सोचते हैं। खुद के बल का निर्धारण कैसे करें वो सम्यक है, या ये भी कैसे तय करें, ऐसा ये सापेक्ष संज्ञा है कि मेरा बल और मुझे जो कार्य करना है वो उसके लिए कौन से किस बल की आवश्यकता है। अगर मुझे मालूम है कि मेरा बल कम ही है तो मेरे बल के अनुसार जो कर्म होंगे वही मैं करूंगा, लेकिन कर्म का निर्धारण अपेक्षा के अनुसार रहता है। मुझे ये चाहिए वो चाहिए इसके लिए ये कर्म करना जरूरी है इस प्रकार से, उसमें मेरा बल कितना है ये देखा नहीं जाता। और फिर अगर बल को ध्यान में न रखते हुए इस प्रकार का काम किया तो ये नौबत आ जाती है। तो ये सापेक्षता है इसमें कि मैं किस प्रकार का काम करना चाहता हूँ और उसके लिए किस प्रकार का बल मुझे चाहिए। कुछ शारीरिक कष्ट होते हैं, कुछ मानसिक कष्ट होते हैं, कुछ बौद्धिक इस प्रकार के होते हैं। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए कहाँ पे कैसी जरूरत है ये ध्यान में रखते हुए, और मेरी क्षमता क्या है ये देखते हुए कर्म करना चाहिए। अगर इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं और काम करते रहते हैं तो मुसीबत इस प्रकार की होगी। मेरा भी शेड्यूल काफी हेक्टिक था, अभी मैंने काफी कम कर दिया, लेकिन जब डेंगू हुआ मुझे उस दिन मैं बेंगलोर जाने वाला था, बेंगलोर की ओपीडी थी, और सुबह मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे बुखार आने वाला है, ठंड लग रही है, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। रात को ही पता चला, तो रात को बता दिया कि आई फील आई एम गेटिंग फीवर, तो मैं नहीं आ रहा कल प्रकार से। और फिर बहुत सारे जकड़न वगैरह इस प्रकार की हो गई, लंघन किया, दवाइयां ले ली, 3 4 दिन के बाद ठीक हो गया,
लेकिन बाद में ये पता चला कि ये डेंगू था। उस समय तो हमने कुछ परीक्षण नहीं किया था, बाद में लर्निंग की तो पता चला कि डेंगू हो के गया इस से। तो अभी कोई वैद्य कहेगा कि अरे ये तो मच्छरों के कारण होने वाला है इस प्रकार से, तो घर में मच्छर है तो उसका बंदोबस्त करो बोले इस प्रकार। लेकिन उससे जो सबक सीखना था वो मैंने सबक सीख ली, और मेरे दिन में एक ही बार प्रैक्टिस करूंगा इस प्रकार से निश्चय नहीं, 2 बार। लेकिन शाम का जो क्लिनिक ज्यादा देर से चलता था वो 4 से 6 बजे तक सीमित किया, ताकि कम से कम 7:30-8 बजे तो मैं फ्री हो जाऊं इस प्रकार से। फिर बाद में ये भी ज्यादा हेक्टिक हो रहा है ऐसा हुआ, तो एक ही बार क्लिनिक करेंगे 11 बजे से, फिर वो 3-4 बजे तक चलता है। लेकिन शाम कुछ रखता नहीं हूं इस प्रकार से। तो उसका जो बोध लेना चाहिए वो अच्छी तरीके से लेना चाहिए। अगर उसमें हम फंस जाते हैं और कुछ दूसरा ही सोचते हैं उसके बारे में तो मुसीबत हो जाती है। दादा गुजर के बारे में ऐसा हुआ था, दादा गुजर की भी तबीयत ठीक नहीं थी और वो वर्कोहोलिक इस प्रकार के थे, सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते थे और काफी जिम्मेदारियां थी, बहुत सारा माहौल उन्होंने खड़ा किया है, हड़पसर का कॉलेज वगैरह जो है, फार्मेसी है और बाकी भी बैंक वगैरह इस प्रकार के भी है। तो उनको सांस की तकलीफ होती थी, तो उन्होंने नतीजा निकाला कि ये पोल्यूशन के जरिए हो रहा है। और फिर कार में एसी बिठा लिया, या नई कार खरीदी, एसी एसी वाली कार खरीदी। तो मेरे ख्याल में कारण अलग और चिकित्सा अलग इस प्रकार का मामला। कारण बेसिक हेक्टिक शेड्यूल था, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, और पोल्यूशन के जरिए हो रहा है ऐसा समझकर कार में परिवर्तन किया। कुछ फायदा नहीं हुआ, उसके बाद 1-2 महीने के बाद उनकी मौत हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमें सच्चे ढंग से अगर ये कारण है तो ये कारण है, ये समझ लेना चाहिए। वो नहीं हो सकता या फिर मुझे क्यों हुआ वगैरह वगैरह, इसके बारे में कोई सोचने का मतलब इस प्रकार का नहीं। तो जो सही कारण है वो ढूंढना है, और इस प्रकार से अगर हम करेंगे कि नहीं ये कारण नहीं है, मच्छर कारण है या फिर इस प्रकार से प्रदूषण कारण है वगैरह वगैरह, तो वो आधा अधूरा सच होगा, ये पूरा सच इस प्रकार का नहीं है। और फिर भी मैं कहूंगा कि ज्यादा महत्व हेक्टिक लाइफ शेड्यूल को ही था उनके बारे में। और वो हमारे डीन रहे तो मुझे उनके बारे में पता था वो किस प्रकार से बर्ताव करते हैं और किस प्रकार से जुड़ जाते हैं काम में, उसके बारे में कोई संदेह नहीं था। तो और सोशल वर्क भी बहुत ज्यादा था उनका, उसके बारे में भी संदेह नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अगर गलती से कुछ अगर हम सोचेंगे कि नहीं ये नहीं है, दूसरा ही कारण है, तो मुसीबत इस प्रकार की हो जाएगी। तो सर्वमान्य परिच्छेद शरीर अनुपाधि, सभी चीजों को बाजू में रखकर छोड़कर शरीर का रक्षण करना जरूरी है। तदभावे ही भावानां सर्वाभावश्यक, समझते हैं लेकिन प्रयोग में नहीं लाते, ये बहुत लोगों के बारे में होता है कि हाँ मालूम होता है कि एक शिक्षक चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, फिर भी उसमें बदलाव लाने के लिए कोशिश नहीं की जाती, तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। ठीक है, मैंने शनिवार के बारे में थोड़ा सा सोचा है, शुक्रवार तो अमावस्या है तो उस दिन तो बंद ही रहेगा। शनिवार को 7:45 बजे तक अमावस्या है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो नहीं लेंगे, चरक का लेक्चर नहीं ले लेंगे, लेकिन जो अक्षय संकल्प के बारे में मैंने बात की थी और 71 लोगों ने गूगल फॉर्म भर के भेजा है, अभी मैं पूरी तरीके से उसमें ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन इस अगले 2-3 दिनों में ध्यान दे दूंगा। और दूसरा भी एक लेक्चर मैंने परम आयुर्वेद के ऊपर दिया है,
तो वहां पे के भी लोग कुछ होंगे। तो मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से किस प्रकार का काम है, कौन से ग्रुप करेंगे, इसके बारे में मानसिक तांडव से आत्मतथा होता ही है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए मैंने शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक ये तीन बातें वहां पे बताई। तो थोड़ा ग्रुप्स के बारे में मैं गहराई में जाकर सोचूंगा, और एग्जैक्ट काम क्या करना है ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो हम शनिवार को मिलेंगे, लेकिन चरक वाचन नहीं होगा, इसके ऊपर बहस करेंगे, अक्षय संकल्प के बारे में। और जिन्होंने अर्ज ये भरा है, अक्षय गूगल फॉर्म कुठे मिले, तुम जेएसवीसी में नहीं हो क्या? जीएसवीसी में ज्वाइन हो जाओ, शिल्पा नितिन दादा। तो ठीक है, तुम्हारा फोन नंबर बता देना। सुश्रुत का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं, नंबर संख्या नाइन सिक्स हाँ। लगा देता हूँ। 9673755 87। यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है जो मैं टाइप करता। हाँ ला कोमल सर चल रहे, जाने दे दिया। So 9673758287 असा नंबर सांगितला ना? बरोबर है, हाँ आला है, त्याच्यावरती आला है, चैट बॉक्स ला आला। हाँ, ठीक। तो जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं वो भी ज्वाइन हो जाए इसमें, और जिन्होंने पहले गूगल डॉक का फॉर्म भरा है वो तो ज्वाइन हो ही जाए, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भी इसमें ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाए, ताकि ये मैं थोड़ा इसके बारे में तैयारी करके बता दूंगा कि क्या कर सकते हैं इस प्रकार से, कौन से कौन से ग्रुप्स बनेंगे और क्या क्या कार्य है इस प्रकार का। तो वो प्रेजेंटेशन मैं शनिवार को दे दूंगा, तो 6:30 को ही मिलेंगे, और संभवतः 7:30 तक होगा इस प्रकार से। तो ठीक है, सर्व मन परित्यज्य शरीर मनिपालय, सभी छोड़कर शरीर का अनुपालन इस प्रकार का करना है। और तद्भाव ही भावानां सर्वाभाव शरीर, शरीर ही नहीं रहा तो सभी भावों का अभाव इस प्रकार का हो जाएगा, भावों का सभी प्रकार से अभाव इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल माधव निदान आगे बढ़ाएंगे, और शुक्रवार को छुट्टी रहेगी, और शनिवार को अक्षय के बारे में बोलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित ही शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतो यन्न निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वांछन पुनरपि भुवने कांक्ष सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वंतरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं। शांति शांति शांति। दोपहर 4 बजे योग पतंजलि योग सत्र के लिए मिलेंगे, विरमित व्याख्यान व्यापार दोपहर।